तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। हाल ही में आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरा गांधी परिवार भी मौजूद था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने अपना एक वादा निभा दिया। कार्यभार संभालने के कुछ मिनटों बाद ही रेवंत रेड्डी के आधिकारिक आवास के सामने लगे लोहे के बैरिकेड्स और बाड़े हटा दिए गए। ये बैरिकेड्स मुख्यमंत्री आवास यानी कि प्रगति भवन के बाहर लगे हुए थे। आधिकारिक आवास के बाहर कई बुलडोजर ट्रैक्टर और मजदूरों को लोहे के बैरिकेड्स को उखाड़ते देखा गया। अपने चुनाव अभियान के दौरान रेवंत रेड्डी ने कई बार वादा किया था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगे लोहे के बैरिकेड्स को हटा दिए जाएंगे। इसे हटाए जाने के बाद जनता को सुचारू यातायात की सुविधा मिलेगी। गैस बिल्डिंग उपकरण का उपयोग करने वाले श्रमिकों की टीम ने 10 फीट ऊंची बाड़ को काटने और हटाने की कवायद शुरू की। प्रगति भवन परिसर में लोगों द्वारा गेट क्रैशिंग की घटनाएं अक्सर सामने आने के बाद अधिकारियों द्वारा बाड़ लगाई गई थी। हालांकि ये बाड़े और बैरिकेड्स सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए बाधा की तरह बन गए थे क्योंकि उससे बार बार यातायात बाधित होता था। कांग्रेस विधायक दल के नेता एस रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के अलावा मल्लू विक्रमा मार्क उप मुख्यमंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर राजनर सिम्हा, डी श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा और जुपली कृष्ण राव ने मंत्री पद की शपथ ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया यहां LB स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।